अगर अब तक तुमने मेरा प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है विष कन्या का तो कर लो, क्योंकि उसमें एपिसोड 1, 2 और 3 मिलेगा। खैर क्विक रिकैप कर लेते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे विष कन्या पहुंच जाती है अरब देश। उसे लगता है कि मिशन बहुत मुश्किल होने वाला है। अब आगे विष कन्या उस महल में घुसने का रास्ता तलाशने लगती है। उसे लगता है कि यह बहुत आसान होगा उस महल में अंदर जाना, इसीलिए रात के वक्त वह छुप कर जाने लगती है। तभी कुछ सैनिक उसे देख लेते हैं और बिना सोचे समझे बिना पूछे उस पर हमला कर देते हैं। खैर विष कन्या अपने शक्ति से वहां से बचकर तो निकल जाती है उन 10 सैनिकों को मारकर, लेकिन वह यह समझ चुकी होती है कि सैनिकों को किसी के आदेश की जरूरत नहीं किसी को मारने के लिए, इसीलिए अब उसे कोई दूसरा रास्ता चाहिए था। वह ढूंढने लगती है कोई दूसरा रास्ता, पर 1 महीने के लगातार जांच पड़ताल के बाद उसे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि राजा के 7 बेटे हैं। उसे लगता है कि वो आसानी से उन 7 में से किसी 1 बेटे को अपने रूप के जाल में फंसाएगी और उसके मदद से राजा के पास तक पहुंचकर उसे मार देगी। लेकिन ये भी उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि राजा के 7 बेटे कभी पब्लिक में आते ही नहीं। वे सदैव महल में ही रहते हैं या फिर सैनिकों के बीच घिरे रहते हैं, इसीलिए राजा के बेटों तक पहुंचना नामुमकिन था। कामिनी को कोई दूसरा रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। उसने तकरीबन 6 महीने बिता लिए थे वहां पर। तभी उसे पता चला कि जो राजा है वह अपने मनोरंजन के लिए समय समय पर वैश्याओं को बुलाते रहता है। वो उन्हीं वैश्याओं को बुलाता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। वैश्या मतलब प्रोस्टिट्यूट। अब कामिनी को ये तो पता था कि वो खूबसूरत है, उसे ये भी पता था कि उसे अब करना क्या है, लेकिन वह इस कार्य के लिए हिचकिचा रही थी। फिर भी उसने दृढ़ निश्चय किया और चली गई अपने पास वाले वैश्यालय। वैश्यालय मतलब उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर माने कि बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट होती हैं। अब वो जब वैश्यालय पहुँचती है तो उसके साथ क्या होता है ये हम आगे आने वाले भागों में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।